दोस्तों नमस्कार। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत देश की पोजीशन बहुत ही बेकार रही है। अब देख लेते हैं आखिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। दोस्तों ये इंडेक्स आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हाइफ नामक संगठन संयुक्त रूप से जारी करते हैं। इस इंडेक्स में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आंकड़े शामिल किए जाते हैं और इन आंकड़ों को 4 संकेतों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। पहला अल्प पोषण, दूसरा ऊंचाई की तुलना में कम वजन, तीसरा उम्र की तुलना में कम ऊंचाई, चौथा बाल मृत्यु दर। इन आंकड़ों के हिसाब से इसको रैंकिंग दी जाती है। इस इंडेक्स में रैंकिंग के लिए 100 पॉइंट्स स्केल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसमें 0 पॉइंट्स को सबसे अच्छी पोजीशन यानी कि नो हंगर और 100 पॉइंट्स यानी कि सबसे बुरी स्थिति इसके अंदर मानी जाती है। इस साल के इंडेक्स में विश्व स्तर पर भूख और अल्प पोषण की स्थिति को 20 पॉइंट्स स्कोर के साथ मॉडरेट और सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर बता दूं, इस इंडेक्स के प्रकाशन में पहले इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी पार्टनरशिप होती थी, जो कि फिलहाल नहीं है। अब की बार इस इंडेक्स में 117 देशों के ऊपर आकलन किया गया है, जिसमें भारत देश की स्थिति 102वें नंबर पर आई है, जो कि बहुत ही बेकार स्थिति मानी जाती है। 100 पॉइंट स्केल में 30.3 अंकों के साथ भारत भूख से पीड़ित गंभीर देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6 से 23 महीने के बच्चों में मात्र 9.6% को ही न्यूनतम पौष्टिक आहार मिल पाता है। इंडिया में प्रत्येक 5 में से एक बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई की तुलना में कम है। अब बात कर लेते हैं भारत देश के पड़ोसी देशों की, तो भारत देश के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत देश की तुलना में काफी अच्छी है, जिसमें श्रीलंका की पोजीशन 67वें नंबर पर, बांग्लादेश 88वें, नेपाल 73 और पाकिस्तान 94वीं पोजीशन पर काबिज है। दोस्तों 2014 के बाद भारत देश की पोजीशन इस इंडेक्स में लगातार गिर रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।